असम के कोकराझार में शुक्रवार को हथियारबंद हमलावरों ने जमकर गोलीबारी की। इस घटना में अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। हमले के बाद आतंकवादी फरार हो गए। गोलीबारी की यह घटना साप्ताहिक बाजार में हुई। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार दोपहर आतंकवादियों का एक ग्रोह कार से आया और बालाजान तिनियाली बाजार में गोलीबारी करने लगा। इधर इलाके में गश्त लगा रहे सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आतंकी मारा गया। पुलिस को अब तक 13 शव मिले हैं। घटना के बाद पुलिस और सेना दोनों ही चौकस हो गए हैं। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। आतंकियों के आसपास की इमारतों में छिपे होने की आशंका है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरी जानकारी जुटा रही है। केंद्र को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। प्रदेश सरकार ने मृतकों के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के लिए 1 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। राज्य के डीजीपी मुकेश सहाय के मुताबिक आतंकवादियों की संख्या करीब 3 से 4 थी। हमले की पहले कोई खुफिया सूचना नहीं थी। मारे गए आतंकी के पास से AK-56 और चाइनीज ग्रेनेड बरामद हुए हैं। मारा गया आतंकी उग्रवादी संगठन NDFB का है। राजस्थान के दौसा में एक छात्रा के बैग में बम विस्फोट हुआ है। विस्फोट में छात्रा के हाथ का पंजा उड़ गया, जबकि अन्य 2 छात्र भी जख्मी हो गए। तीनों घायलों को दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्रा का पंजा इतना जख्मी हो गया कि उसे जयपुर रेफर करना पड़ा। दौसा के गोड़ा कटला गाँव में स्थित एक स्कूल में यह हादसा हुआ है। धमाके की इस घटना से गाँव में हड़कंप मचा हुआ है। तेज धमाके के साथ ही गाँव के लोग इकट्ठा हो गए। वहीं अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है कि आखिर ये बम कहाँ से आया। दरअसल कुछ दिन पहले ही पुलिस ने इस गांव से विस्फोटक भी बरामद किए थे, जिनमें जिलेटिन की छड़ें पाई गई थी। ये खदान में पत्थर तोड़ने के लिए विस्फोट करने के काम आती है। घटना की जानकारी मिलते ही बसुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। फ्रांस के बुआ शहर में एक बार भीषण आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। आग उस वक्त लगी जब क्यूबा लिब्रे बार के तहखाने में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फ्रांस के गृह मंत्री बर्नार्ड का कहना है कि आग लगने की यह घटना स्थानीय समयानुसार शनिवार आधी रात को हुई है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद वैष्णो देवी के पास अर्धकुमारी में जमीन खसकने से 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल श्रद्धालुओं को कटरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा अर्धकुमारी की गुफा के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर श्रद्धालुओं के सिर में गहरी चोटें आई हैं। जिस जगह ये लैंडस्लाइड हुई है वहां से वैष्णो देवी मंदिर करीब 6 किलोमीटर आगे है। पुलिस के मुताबिक मंदिर के गेट नंबर 3 के पास एक बड़ा पत्थर लुढ़क कर गिरने से हादसा हुआ। वहीं श्राइन बोर्ड ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सुनंदा पुष्कर की मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। एक गुत्थी सुलझती है तो दूसरी उलझ जाती है। मौत की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। जांच कर रही पुलिस की टीम ने अब FBI से उनकी मौत की असल वजह पूछी है। जांच दल ने FBI अधिकारियों से मुलाकात की है। पिछले साल FBI की रिपोर्ट में जहर के तौर पर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के इस्तेमाल की आशंका को खारिज कर दिया गया था। आपको बता दें कि साल 2014 में 51 वर्षीय सुनंदा पुष्कर की लाश दिल्ली के एक होटल के कमरे में संदिग्ध हालत में मिली थी। इस पूरे मामले में पुलिस उनके घरेलू सहायक समेत 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा चुकी है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी अखिलेश सरकार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से तगड़ा झटका लगा है। यहां हुए मेयर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को मात देते हुए शानदार जीत दर्ज की। BJP उम्मीदवार विनोद अग्रवाल को 35,815 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी SP के उम्मीदवार राजकुमार प्रजापति को महज 30,000 वोट ही मिल सके। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। BJP की इस जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि इस सीट पर पहले भी BJP का कब्जा था, लेकिन पूर्व मेयर बीना अग्रवाल की मौत के बाद ये सीट खाली हो गई थी। अब यहाँ उपचुनाव में BJP ने बीना अग्रवाल के पति विनोद अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया था। BJP उम्मीदवार ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अधिक वोटों से हराया है। मुरादाबाद मेयर उपचुनाव के लिए BJP सहित SP और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे।
लेकिन कोई भी उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवार के सामने नहीं टिक सका। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI ने भ्रामक विज्ञापन अभियान चलाने के लिए पतंजलि आयुर्वेद, HUL, पेप्सिको, ब्रिटानिया, पिज़्ज़ा हट, अमेज़न, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, वोल्टास, एक्सिस बैंक, एयर एशिया और फ्लिपकार्ट सहित अनेक कंपनियों की खिंचाई की। परिषद के मुताबिक मई में उसे 155 शिकायतें मिली, जिनमें से 109 मामले सही पाए गए हैं। परिषद ने योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के जीरा बिस्कुट, कच्ची घानी, सरसों तेल, केश कांति और दंत कांति सहित कई उत्पादों के खिलाफ शिकायतों को सही पाया है। इससे पहले मार्च अप्रैल में भी परिषद ने पतंजलि के खिलाफ 6 मामलों को सही पाया था। पतंजलि आयुर्वेद दंत कांति, केश कांति जैसे अपने उत्पादों के विज्ञापन के दावों को नियामक के सामने साबित नहीं कर सकी, जिसके बाद नियामक ने इन विज्ञापनों को भ्रामक माना है। इस मामले में HUL और पेप्सी को भेजे गए सवालों का जवाब भी नहीं आया। हालांकि पतंजलि आयुर्वेद ने फैसले पारित किए जाने के तारीखों पर सवाल उठाया है और आरोप लगाया है कि इस कदम के पीछे कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हाथ हो सकता है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि वे इस मामले में कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि गैर सदस्यों के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रेस कोड के खिलाफ कॉलेज छात्राओं ने परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लड़कियों की मिनी स्कर्ट पहनने पर पाबंदी के बाद छात्राओं ने यह विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रबंधन की ओर से पाबंदी लगाई गई थी, इसके बाद से छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रही छात्राओं का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए ड्रेस कोड लागू किया है। नाराज छात्राओं ने कहा कि यदि ये नियम को वापस नहीं लिया गया तो वे महिला आयोग को इसकी शिकायत करेंगी। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि इस पाबंदी को छात्राओं की सुरक्षा से जोड़कर लागू किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ रियो ओलंपिक का उद्घाटन ब्राजील के माराकाना स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। उद्घाटन समारोह को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। पूरे ओलंपिक सेरेमनी में ब्राजील की संस्कृति और परंपरा का अनोखा रंग देखने को मिला। इस बार के ओलंपिक में 10,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। ओलंपिक सेरेमनी में भारतीय दल 95वें नंबर पर रहा, जिसकी अगुवाई अभिनव बिंद्रा ने की। ओलंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत भारतीय समयानुसार सुबह 4 बजे हुई। रियो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के कहर से बचाने का संदेश दिया गया, जिसमें ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले 200 से अधिक देशों के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ियों और अधिकारियों को एक एक पौधा लगाने की जिम्मेदारी दी गई। ब्लॉक की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के सीक्वल बाहुबली द कंक्लूजन का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस मोस्ट अवेटेड फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव किया गया है। पहले ये फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 28 अप्रैल 2017 को रिलीज होगी। धर्मा प्रोडक्शन के मालिक और बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर करण जौहर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि बाहुबली की हिंदी वर्जन का राइट्स भी धर्मा प्रोडक्शन के पास ही था और पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस फिल्म के दूसरे पार्ट्स के राइट भी इसी प्रोडक्शन हाउस के पास होंगे। अर्का मीडिया वर्क्स के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म में राणा डग्गुबती, प्रभाष, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म को SS राजामौली ने डायरेक्ट किया है।